रविवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं तेज बारिश का अंदेशा, तो तटीय और दक्षिणी कर्नाटक में भी हो सकती है भारी बरसात। दो दिन कोंकण गोवा में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान, तो रविवार को मध्य महाराष्ट्र में भी इक्का दुक्का जगह चल सकती है तेज हवाएं। रविवार को मध्य अरब सागर में हालात रहेंगे प्रतिकूल, मछुआरों को समुद्र में न जाने की दी जाती है सलाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में दो दिन कहीं कहीं तेज बारिश का अंदेशा। रविवार को तटीय और दक्षिणी कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना। सोमवार को केरल और माहे में इक्का दुक्का जगह भारी बारिश संभव। दो दिन कोंकण गोवा में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। रविवार को मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं का अंदेशा। दो दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह बिजली की चमकने का है अनुमान। रविवार और सोमवार को केरल और माहे में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। रविवार को रायलसीमा में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं संभव। रविवार को मध्य अरब सागर में चल सकती हैं तेज हवाएं। मौसम विभाग ने मछुआरों को दी समुद्र में ना जाने की सलाह। आइए डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। रविवार और सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं अगले दो दिन हिमाचल प्रदेश में वर्षा के आसार नहीं है। साथ ही रविवार और सोमवार को उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना नहीं दिख रही है। वहीं अगले दो दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात के आसार नहीं है। रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अंदेशा नहीं है। साथ ही अगले दो दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं है। जबकि सोमवार को पूर्वी भारत के गंगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं वर्षा का अनुमान है। रविवार को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही रविवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। सोमवार को असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं। दो दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं अगले दो दिन बिहार और झारखंड में बारिश की उम्मीद नहीं है, जबकि रविवार और सोमवार को उड़ीसा में कुछ जगह पर बारिश की संभावना दिख रही है। अगर मध्य भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है, जबकि रविवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही दो दिन छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। वहीं रविवार और सोमवार को मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। साथ ही रविवार को कोंकण गोवा में कुछ जगह बारिश की उम्मीद है। वहीं रविवार और सोमवार को गुजरात में बरसात के आसार नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। वहीं रविवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह वर्षा का अनुमान है। दो दिन तटीय कर्नाटक के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अंदेशा है। साथ ही रविवार और सोमवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी अधिकतर जगह बारिश की उम्मीद है। रविवार को केरल में कई इलाकों में बरसात की संभावना बनी हुई है। वहीं रविवार और सोमवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई इलाकों में बादल बरस सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात की। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बहुत तेज भारी बरसात हुई है। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी तेज बरसात हुई। केरल और तमिलनाडु में कहीं कहीं भारी वर्षा हुई। तटीय आंध्र प्रदेश में इक्का दुक्का जगह भारी बरसात की खबर मिली। मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं जोरदार बरसात हुई है। गुजरात में भी इक्का दुक्का स्थानों पर खूब बादल बरसे। गुजरात में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की भी खबर मिली है, तो तमिलनाडु के दक्षिणी इलाकों में चली तेज हवाएं। और
आइए बात करते हैं तापमान की स्थिति की। पहले देख लेते हैं कैसा रहा अधिकतम तापमान। मराठवाड़ा में अधिकतर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री अधिक रहा। मध्य महाराष्ट्र में कई जगह अधिकतम पारा सामान्य की तुलना में 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही विदर्भ में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम पारा सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ। सौराष्ट्र और कच्छ में अधिकतर जगह तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की वृद्धि देखने को मिली। वहीं छत्तीसगढ़ में कई जगह तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर में कुछ जगह अधिकतम पारा सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम आंका गया। हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगह तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली। देश में सबसे ज्यादा तापमान हरियाणा के हिसार में 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पर आइए जायजा ले लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम पारा सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हुई। ओडिशा में भी कुछ जगह पारा सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इसके साथ ही झारखंड के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक मापा गया। असम और मेघालय के भी कुछ हिस्सों में तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके विपरीत पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम पारा 3 से 5 डिग्री नीचे आया है। हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री कम आंका गया। इसके अलावा केरल में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा कोंकण और गोवा में 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें आलू की खेती। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं। लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, har pal aapke saath. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। अभी बहुत सी जगहों पर बुआई और रोपाई के लिहाज से समय अनुकूल है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों का चुनाव करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अभी के मौसम को देखते हुए किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की राय, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के किसान गेहूं की बुआई जारी रखें, साथ ही उपोषण कटिबंधीय क्षेत्र में सरसों और मटर की बुवाई पूरी कर लें। वहीं मध्यवर्ती इलाकों में मटर की बुवाई की जा सकती है। घाटी क्षेत्र के किसान अभी के समय प्याज की रोपाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के किसान गेहूं की बुवाई जारी रखें, साथ ही यहां के किसान प्याज की बुवाई कर लें। हिमाचल के किसान पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की रोपाई पूरी कर लें। पहाड़ी इलाकों के किसान मटर और सरसों की बुवाई कर लें, साथ ही यहां के किसान लहसुन की बुवाई भी कर सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में राजमा और सोयाबीन की कटाई करें और कटी उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। उत्तराखंड की बात करें तो भावर और तराई अंचल में जौ की बुवाई की जा सकती है। इसके अलावा उप आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आलू की बुवाई का काम कर लें किसान। और अब आइए बात करते हैं आज की फसल की। ये समय कई फसलों की बुआई का है, आलू भी उन्हीं में से एक है। आलू की देरी से ही बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर महीने तक लगाया जा सकता है। तमिलनाडु और केरल को छोड़कर लगभग पूरे देश में आलू की पैदावार ली जा सकती है। आलू की सबसे ज्यादा खेती उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, पंजाब, असम और मध्य प्रदेश में की जाती है। आलू की पैदावार में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। आलू की बुआई कैसे करें जाने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है,
लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर के आखिरी तक लगाया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात ये है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। और अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं। आगे आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। उत्तर प्रदेश के किसान गेहूं की बुआई जारी रखें। उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में सरसों, मसूर और चने की बुआई को जारी रखें। यहां के किसान मूंग की बुआई भी फिलहाल जारी रखें। पूर्वी मैदानी इलाके में लहसुन और आलू की बुआई करें किसान। यहां के किसान हल्दी की बुआई भी कर लें। मध्य मैदानी इलाके में मटर और चने की बुवाई करें। यहां के किसान आलू और गन्ने की रोपाई करें। मध्य मैदानी इलाके में मेथी और लहसुन की बुवाई कर लें किसान। पंजाब के किसान लंबी अवधि वाली किस्मों की गेहूं की बुवाई करें। यहाँ के किसान नवंबर के अंत तक गेहूं की बुआई पूरी कर लें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र में मूली और शलजम की बुवाई करें किसान। यहां के किसान गाजर की देसी किस्मों की बुवाई करें। पंजाब के में अभी के समय चने की बुवाई कर सकते हैं।
यहाँ के किसान प्याज, टमाटर और बैंगन की भी बुवाई कर लें। पंजाब में फूलगोभी, पालक, मेथी और धनिया की बुवाई को जारी रखें। मूली, शलजम और ब्रोकली की बुवाई भी करें किसान। पंजाब के मध्य मैदानी क्षेत्र में आलू की अगेती किस्मों की रोपाई करें। दिल्ली और आसपास गेहूं और सरसों की बुआई को जारी रखें। यहां के किसान आलू की रोपाई जारी रखें। दिल्ली और आसपास फूलगोभी और पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। बुलेटिन में आइए एक बार फिर से डालते हैं नजर मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में दो दिन कहीं कहीं तेज बारिश का अंदेशा। रविवार को तटीय और दक्षिणी कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना। सोमवार को केरल और माहे में इक्का दुक्का जगह भारी बारिश संभव। दो दिन कोंकण, गोवा में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। रविवार को मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं का है अंदेशा। दो दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह बिजली की चमकने का है अनुमान। रविवार और सोमवार को केरल और माहे में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। रविवार को रायलसीमा में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं संभव। रविवार को मध्य अरब सागर में चल सकती हैं तेज हवाएं। मौसम विभाग ने मछुआरों को दी समुद्र में न जाने की सलाह। और अब चलते चलते एक नजर अगले चार दिनों के लिए नौ शहरों के तापमान पर। इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पशुधन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पशुधन की बहुलता है। वजह यह है कि ऐसे क्षेत्रों में कृषि पैदावार कम होती है और पशुधन ही जीविका का प्रमुख साधन है। यहाँ बंजर और लवणीय भूमि में चारा उगाकर घास की पैदावार की जा सकती है। इसके साथ ही बहुवर्षीय घास लगाकर और फसलों के अवशेष के प्रसंस्करण से चारा तैयार कर पशुओं का पोषण किया जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चारागाह और चारे की उन्नत प्रजातियों के विकास, उनका सस्य प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए भारत सरकार ने झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी प्रमुख चारा घासों का पाया जाना भी था।
संस्थान ने बदलते जलवायु परिवेश में चारा फसलों के उत्पादन की नई पद्धतियां विकसित की हैं, जिनसे रबी और खरीफ में हरे चारे की फसलें ली जा सकती हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के विकास पर नवीन शोध किए जा रहे हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खासकर गर्मियों में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए और पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कांटा रहित नागफनी की खेती के तकनीकी विकास की पहल की गई है। इससे प्रोटीन, ऊर्जा और उच्च जैव भार के साथ नागफनी की उपयुक्त प्रजातियों का उपयोग और पशुधन आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा। विकास के क्षेत्र में संस्थान विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी कार्य कर रहा है। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अपनी नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों की सहायता से लगातार पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध करवाने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की मुहिम में प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 28 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हरे एक चूनर दे, फसल के फूलों को फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। मैंने शिव पुत्र को समाप्त करने के लिए योजना बनाई थी शंभु की, तो योजना सफल हुई अथवा नहीं। हे महागणेश, इस पृथ्वी लोक को तारकासुर के अत्याचारों से कब मुक्ति मिलेगी? यदि तुमने सत्य नहीं बताया तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण। सर्वशक्ति मान